The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, welcome back. So, hamara aaj ka topic hum aap shuru karne ja rahe hain jiska naam hai food poisoning. Bhai, food poisoning kya hai? Kaise hoti hai? कब होती है? ये मौसम बहुत जोरदार है. फूड पॉइजनिंग वैसे तो किसी मौसम में हो सकते हैं, बट मानसून बारिशों के सीजन में ये बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से आप लोगों को तंग करता है. इट्स वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मानसून सीजन. एंड फूड पॉइजनिंग इज व्हेन यू स्वॉलो सम फूड और वाटर, पानी से भी हो सकता है, खाने से भी होता है, जो के कंटेमिनेटेड हो. कंटेमिनेटेड का मतलब जिसमें के बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई जीवाणु हो, कोई कीटाणु हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ऐसा कोई खाना, ऐसा कोई पानी अगर आप ले लें, कोई पैरासाइट भी हो सकता है, तो आप पी लें, आप खा लें, या कभी कभी कोई जीवाणु कीटाणु नहीं होता, सीधा सिंपल होते हैं टॉक्सिन्स. जी हाँ, ये कीटाणु से बने हुए टॉक्सिन, जर्म से बनाए हुए टॉक्सिन्स, केमिकल टॉक्सिन्स, ये भी हो सकते हैं. सो फूड में बेसिकली ये एक तरीके के पॉइजन्स है, राइट? दीज आर कीटाणुज, जीवाणुज, मॉइस्ट टॉक्सिन्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज, पैरासाइट, फंगाइज. सो दिस इज बेसिकली फूड पॉइजनिंग. अगर आप ये ले लोगे, अगर ये आप इस तरह की कुछ चीज़ खा लोगे, तो फूड पॉइजनिंग. और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, और दो दूसरा है ई कोलाई. स्टेफाइलोकोकस ये बैक्टीरियाज है, ये सबसे कॉमन है. नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग. कॉजेज, भाई कौन करता है, क्या करता है, किसको होती है, राइट? फूड पॉइजनिंग एक पर्सन को हो सकती है, एक पर्सन को, या पूरे ग्रुप को हो सकती है. मान लो एक शेफ ने पूरे ग्रुप को खाना खिलाया, भंडारा हो या कोई डिनर लंच हो, कोई फेस्टिवल हो, और उस चक्कर में कोई कंटेमिनेटेड चीज उसमें गिर गई, या उसने हाथ नहीं धोए, या वट एवर. सो उसमें क्या हो जाएगा, एक पिकनिक में, एक बाहर जाके स्कूल की कैफेटेरिया में, या सोशल गैदरिंग में, या रेस्टोरेंट में, इसी जगहों पे भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है. सो जो लोग खाना बनाते हैं, जो लोग खाने को सर्व करते हैं, इन सबको अपनी हाइजीन देखना बहुत ज़रूरी है फूड पॉइजनिंग प्रिवेंट करने के लिए, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए. सो होता क्या है, जब भी आपके अंदर कोई भी जर्म जाएगा आपके फूड में, तो फूड हो गया कंटेमिनेटेड. उसके बाद ये कैसे होगा, सोचो, व्हाट आर द वेज. नंबर वन, कोई भी मीट या पोल्ट्री, यानी कि चिकन मटन वाली चीज़ें जो हैं, वो कांटेक्ट में आ सकती हैं बैक्टीरिया से खुद. जो पोल्ट्री और मीट है उनके अंदर, मान लो उन्होंने उनके इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया हो तो भी, उस केस में इसीलिए उनको जो प्रोसेस किया जाता है, उनके इंटेस्टाइन्स और गट्स हटा दे के बाद प्रोसेस किया जाता है. सो अगर उसको बिना हटाए प्रोसेस करेंगे तो भी एक पॉसिबिलिटी है, वहां से भी आ सकता है. नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था, राइट? ये होता है. सेकंड, वाटर इज बिग, वाटर पानी से बहुत ज्यादा कॉमनली फूड पॉइजनिंग. वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ, यू नो, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, किसी भी चीज़ को शिप करने के लिए, राइट? एनिमल वेस्ट या घर का वेस्ट, केमिकल वेस्ट, कंपनी इंडस्ट्रियल वेस्ट डालने के लिए, ये सारी जगहों में तो पानी के अंदर बहुत आसानी से कंटामिनेशन हो सकती है. अगर ऐसा पानी आपने पी लिया तो फिर वही चीज़ हो जाएगी. सो ऐसा फ्लड्स के टाइम पे बहुत कॉमनली हो जाता है. फ्लड आ गई, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, घर में पानी घुस गया, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है. प्योर वाटर नहीं मिल रहा तो हो जाती है. फिर फूड, जैसे मैंने कहा, अनसेफ हैंडलिंग इसका एक और बड़ा मेजर रीज़न है. अगर आपने फूड बनाते समय, या ग्रोसरी स्टोर करते समय, या रेस्टोरेंट में, या घर में भी, कहीं भी सही हाइजीन नहीं हैंडल करी, बनाने वाले ने, हैंडल करने वाले, या इवन खाने वाले ने, खाने वाला हाथ धो के नहीं आया, वॉशरूम से वैसे ही खा लिया खाना, तो उसी के हाथ से उसी के बैक्टीरियाज उसके अंदर, ये सारे पॉसिबिलिटीज. फिर ये फूड पॉइजनिंग खाने के या पीने के बाद हो सकती है, जिनको, अब मैं अलग से फिर से बता रहा हूँ, एक पर्सन जिसने हाथ नहीं धोया उसके वजह से, या फिर अगर अनकुक्ड यूटेंसिल, बर्तन सही से नहीं धोए, कटिंग बोर्ड सही से नहीं धोए, या फिर जो भी कटिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं, वो बर्तन सही से नहीं धोए. बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ,
से फूड जिनमें मेयोनीज है, राइट, जो कोल स्लॉ है, पोटैटो सैलेड है, उनमें भी अगर ज़्यादा लंबे समय तक रेफ्रिजरेट कर दिया तो भी उसमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रीज किया है, फिर खा रहे हो, फ्रेश फ्रेश ठीक चलेगा। डेयरी प्रोडक्ट या कोल स्लॉ, मेयोनीज, ये सब फ्रोजन चीज़ें, फ्रोजन फूड, रेफ्रिजरेटेड फूड जो के सही टेम्परेचर पे नहीं रखा हो तो, और फिर जाके उसको और या फिर उसको रीहीट नहीं किया गया हो तो भी उसमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। रॉ फिश या रॉ फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल जो सही से वॉश नहीं किए गए हो, रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट जूसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स जो के पैस्चराइज्ड नहीं हो या जिसमें कंटैमिनेशन जो खुले हो, बाहर से आप जो खुले जूसेस लेते हो, वेजिटेबल जूस लेते हो, उनमें चांसेस होते हैं। फिर अंडर कुक्ड मीट, अगर सही तरीके से पूरी तरह से पका हुआ मटन या एग ना हो तो, या पानी हो जो कि आपके कुएं से आया, वेल से या स्ट्रीमर से, या इवन जो सिटी का पानी आता है, जो नॉर्मल आपका म्यूनसिपालिटी का पानी आता है, उसमें भी कई बार कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है हमारे इंडिया के, क्या करें, राइट। मैनी टाइप्स ऑफ जर्म्स एंड टॉक्सिन कैन कॉज फूड पॉइजन, बहुत सारे टाइप टाइप के हैं। मैंने मोस्ट कॉमन आपको बताया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और ई कोलाय, ये मोस्ट कॉमन। इसके अलावा कौन से, कॉलेरा आपने सुना है, कॉलेरा आपने सुना है, टाइफॉइड, साल्मोनेला सुना है ना, टाइफॉइड हो जाता है। उसके अलावा है कंपाइलोबैक्टर एंटेराइटिस, और उसके अलावा है शिगेला, शिगेला से भी, साल्मोनेला शिगेला, इससे टाइफॉइड होता है। और टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो शेलफिश या किसी स्टेंटेड फिश से आ रहे हो। अब किसको सबसे ज्यादा रिस्क है आपको, मुझे, किसको, फीमेल को, मेल को, बच्चे को, जी हाँ बच्चे को, इन्फेंट, छोटे बच्चे और बूढ़े, ओल्डर पीपल, उनको सबसे ज्यादा रिस्क, उनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है, राइट। और खासकर उन लोगों को जिनको सीरियस मेडिकल बीमारी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, एचआईवी एड्स है, जिनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक है, जो के मान लीजिए अपने डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में जा रहे हैं, जी हाँ डेवलप कंट्री में हाइजीन प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स कम है, क्या कर सकते हैं, इंडिया की हाल खराब है, डेवलपिंग कंट्री है, क्या कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज वन थिंग। प्रेग्नेंट लोगों को, ब्रेस्ट फीडिंग लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। चलो हो गया, हो गई फूड पॉइजनिंग, हो गई गलती, खा लिए गोल गप्पे, खा लिए समोसे, जो भी खा लिए, राइट, बाजार गए थे, मन कर गया, हो शिट, एनीवेज मुझे नहीं खाना चाहिए था छोले भटूरे, एनीवेज चलो हो जाती गलती, खा लिया आपने, राइट, मजा आ रहा है ना, लाइक का बटन दबाना है, बिल्कुल। सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे आपकी फूड पॉइजनिंग गई तो 2 से 6 घंटे के अंदर अंदर आपने खाना खाने के बाद आपको सिम्टम्स शुरू, 2 घंटा, किसी को 6 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्ट टॉक्सिन गया कि बैक्टीरिया गया कि क्या गया, राइट। और अगेन फूड पॉइजनिंग किससे हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, कई बार इमीडिएट भी होता है, क्या होगा, पेट में क्रैम्प्स आएंगे, क्रैम्प्स, उसके बाद डायरिया, फटफट फटफट डायरिया, राइट, डायरिया में ब्लड आ सकता है, ब्लड आ सकता है, खूनी डायरिया, फीवर, चिल्स, बुखार आ सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, और उल्टी तो आई से, नौजिया, वॉमिट, सारे पेट के सिम्टम होंगे, और अल्टीमेटली वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस इज सीरियस, नाउ दैट इज द पॉइंट। अगर आपको डायरिया, वॉमिटिंग, नौजिया, वॉमिटिंग, खाना भी खा, खाना पच नहीं रहा, पूरा पानी निकल रहा है, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, सीरियस प्रॉब्लम, नहीं, वीकनेस में आपको चक्कर आ सकता है, गिर सकते हो, वीकनेस नहीं होने देने रही है, लूज मोशन हो रही, पानी पियो, राइट, यू हैव टू, उल्टी आ रही, दवा खाओ, डॉक्टर के पास जाओ, एंटीबायोटिक लगाओ, वट एवर इट इज नीडेड, डू दैट, राइट। ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर के पास जाओगे तो होगा क्या, डॉक्टर डॉक्टर क्या करेगा, साइन सिम्टम देखेगा, फूड पॉइजनिंग लग रही है, बाहर खाना खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, आपका स्टमक, आपका पेट, आपका साइन, बॉडी टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, सबसे पहले करेक्ट किया जाता है, आपको थोड़ा सा फ्लूइड दिया जाएगा, टेस्ट किए जाएंगे, किसके, स्टूल, लैट्रिन का टेस्ट, जो उससे पता चलता है कि आपके टेस्टों में पता चल सकता है कोई ओवा सिस्ट, कोई वर्म, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, राइट, ब्लड तो नहीं है, राइट, डायरिया में इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं टाइफॉइड के लिए, बट वो इमीडिएटली नहीं होता है पॉजिटिव, टाइफॉइड के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा, टाइफॉइड बाय डॉक्टर, एजुकेशन सर्च कर लेना है, राइट। और ज़्यादातर सीरियस केसेस में फिर एडमिट किया जाता है, एडमिट करके भी आईवी फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है। सो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाओगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको भर्ती नहीं करना पड़ेगा, कोई मेजर चीज नहीं है, ज्यादातर केसेस में सिंपल फ्लूइड, यानी हर बार मोशन लूज हो रहा है, पानी, इलेक्ट्रोल, ओआरएस,
ले लिया या बच्चे को दे दिया तो वो ठीक हो सकता है। सिंपल प्रोबायोटिक से काम हो जाएगा, सिंपल इससे काम हो जाएगा कई बार कई बार, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बैक्टीरिया वायरसेस को मार देता है। लेकिन कई लोगों में ऐसा नहीं होता, कई लोगों में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई लोगों को पता नहीं होता भाई ये हो क्या रहा है, राइट। डिहाइड्रेशन नहीं मैनेज करना नंबर वन रीजन है बीमारी सीरियस हो जाने का। नंबर दो, जिसको नौजिया वॉमिटिंग नहीं आता, वॉमिटिंग नौजिया नहीं आता वो। नंबर थ्री, जो बहुत रेस्ट नहीं लेते, भाई मुझे तो काम करने करने हैं, मैं मरता मरता क्या कर सकता है, मरता शो मस्ट गो ऑन वाले लोगों ज्यादा जल्दी ज्यादा सीरियस बीमार हो जाते हैं। यू नीड रेस्ट, एक दिन दो दिन रेस्ट ले लो ठीक हो जाओगे, राइट। काम होता रहेगा, राइट, रिमेंबर दिस। आपको क्या लेना है, ORS, ओवरऑल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉल, राइट, नमक शक्कर का पानी। जब भी आपको जो भी मिनरल्स और पानी लूज हो रहा है नौजिया वॉमिटिंग हाइड और डायरिया में, लूज मोशन में, उसके हर बाद एक गिलास ये वाला पानी लेना, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बहुत आसानी से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से आप खरीद सकते हो, पानी में नमक शक्कर खुद ही डाल सकते हो, कोई मना ही नहीं है, राइट। कितना डालना, एक चम्मच शक्कर, एक चुटकी नमक, बहुत है एक गिलास में, राइट। और आप जैसे मैंने कहा, एक चुटकी यानी आधा टीस्पून या 3 ग्राम सॉल्ट और आधा टीस्पून या 2.3 ग्राम सोडा भी डाल सकते हो उसमें, और उसमें टेबल स्पून या 50 ग्राम शुगर डाल के 1 लीटर पानी में रख सकते हो, अपना पूरा ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बना सकते हो। उसके बाद अगर आपको डायरिया है और आप पानी नहीं और आप पी भी नहीं पा रहे हो, राइट, और आप फ्लूइड नहीं रख पा रहे हो, तो फिर आपको भैया जब उल्टी आ रही है, पी नहीं सरे और नीचे से भी निकल रहा है, उल्टी भी आ रही है ऊपर नीचे दोनों से निकल रहा है, तो आपको ग्लूकोज यानी IV फ्लूइड्स लगाने पड़ेंगे, चाहे ग्लूकोज और नॉन शुगर वाले NS, नॉर्मल सलाइन भी आता है, तो डायबिटिक वालों को भी लगाया जा सकता है, रिमेंबर दैट। और आप अगर किसी भी रीजन से पेशाब ज्यादा आने वाली दवा लेते हो, डायूरेटिक लेते हो, तो वो उस समय बंद करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन आपके डॉक्टर से बात करके, अपने आप से बंद नहीं करना, समटाइम्स अपने आप से बंद करने में दिक्कत हो जाती है। सो आपको हार्ट डिजीज है, आपको किडनी प्रॉब्लम है, आप डायूरेटिक ले रहे हो, पेशाब आने की दवा ले रहे हो, अपने डॉक्टर को ये जरूर बताना है ये सब बात के बारे में। उसके बाद मोस्ट कॉमन रीजंस के लिए जितने होते हैं ना, ज्यादातर केसेस में फूड पॉइजनिंग के एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, मुझे पता है दी जाती है लेकिन नहीं देनी चाहिए। फूड पॉइजनिंग या डायरिया में सबसे पहला ट्रीटमेंट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, और सेकंड इज फाइबर, हाई फाइबर डाइट, सर थर्ड इज प्रोबायोटिक, और फिर आता है कि मोशन रोकने की दवाएं, राइट। सिंपल एंटीबायोटिक आती है अगर कोई भी साइन है एक्चुअल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, एंटीबायोटिक तब दिए जाते हैं, नहीं तो इन सब चीज़ों से आराम आ जाना चाहिए, इमोडियम या लोपेरामाइड जैसी चीज़ें लेके, राइट। ज़्यादातर केसेस में रिकवरी 24 से 48 घंटे में हो जाती है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस फिर भी कुछ लोगों में हो जाते, कुछ लोगों में, ज़्यादा लोगों में नहीं, कुछ लोगों में। क्या होता है कॉम्प्लिकेशन, क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन इज द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन, डिहाइड्रेशन, डिजीनेस, उसके बाद में एक्चुअल जिसको बीमारियां हैं वो क्या हो सकती है, आर्थराइटिस, ब्लीडिंग प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम को डैमेज, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट के अराउंड पानी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर एक्चुअल इन्फेक्शन है और वो फैल जाता है। ज़्यादातर केस में तो लेस कॉमन है, रेयर है, रिमेंबर दैट। सो आपको क्या करना है, अगर आपके स्टूल्स में ब्लड है, पस है, अगर आपका डायरिया खुद से पानी या नौजिया, डायरिया और उल्टी आ रही है, खुद से पानी और ये सब लेके इलेक्ट्रॉल लेके मैनेज नहीं हो रहा, फीवर 101 से ऊपर है, या बच्चे को फीवर 100.4 से ऊपर है, 100.4 प्लस डायरिया है, तो ऐसे केस में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डिहाइड्रेशन का कोई भी साइन है, चक्कर आ रहा हो, लाइट हेडेडनेस हो, या फिर सिंपल प्यास लग रही हो, तो भी इंपॉर्टेंट है कि आप पानी पिए, पी नहीं पा रहे, डॉक्टर के पास जाइए। डायरिया जो 5 दिन से ज़्यादा हो गया है, नहीं ठीक हो रहा, या 2 दिन से ज़्यादा बच्चे में जो बुरा होते जा रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। एक बच्चा जो उल्टी कर रहा है और जब 12 घंटे से ज़्यादा हो गया उल्टी करते जा रहा है, तो भी इसको डॉक्टर को दिखाना है। फूड पॉइजनिंग मशरूम से भी हो सकती है, फिश से भी हो सकती है, और बहुत से कारण हैं, तो इसलिए इसका बहुत ज़रूरी है आपको इसके बारे में क्लियर आइडिया होना। बहुत सारे काम कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए, और थैंक यू सो मच।